हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के अंदर। हमने अभी थोड़े दिन पहले ही एक एपिसोड किया था जिसमें हमने कहा था कि ये राहु का पीरियड चल रहा है, 2020 राहु का साल है और राहु के साल में अभी बहुत उथल पुथल होनी बाकी है। तो कोई ये ना समझे कि कोरोना समाप्त हो जाएगा तो बाकी समस्याएं नहीं आएंगी। और मैंने एक एपिसोड में अभी 3-4 दिन पहले ही कहा है कि लगातार बहुत सारे झटके, अर्थक्वेक के बहुत सारे एरियाज में महसूस होंगे। और अभी इसी वक्त आज दोपहर को 1 बजे के करीब दिल्ली और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटकों की एक सीरीज चल रही है और अभी और आएंगे। आप ये मत समझिए कि ये हो गया तो 6-8 महीने नहीं आएंगे, बिल्कुल और आएंगे। और ये बात मैंने अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले कही थी कि अर्थक्वेक आएंगे और आज फिर आया। आपको थोड़े समय के बाद फिर से ये खबर सुनने को मिलेगी, फिर से एक भूकंप आया। कभी कभी लगातार आने वाले छोटे झटके एक बड़े झटके की ओर इशारा भी करते हैं। और हम अपनी ओर से प्रार्थना करेंगे कि बड़ा काम कोई ना हो, कोई बड़ा अर्थक्वेक ना आए, क्योंकि उस पर जान माल की बहुत क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है। प्रार्थना ही कर सकते हैं। वैसे भी ये महीना भी 3 ग्रहण का है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो है 3 ग्रहण है, एक तो हो गया, 2 बाकी हैं। तो हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर अपना जो भी प्रकोप होने वाला है वो कम हो, ताकि उसको हम बर्दाश्त कर सकें। लेकिन ये अर्थक्वेक या नेचुरल कैलमिटीज़ या कैलमिटीज़ या मुसीबतें, और मुसीबतें कहीं से भी आ सकती हैं, वो इकोनॉमी से भी आ सकती हैं, आपकी हेल्थ से भी आ सकती हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो से भी आ सकती हैं, तो देश में कहीं से भी मुसीबतें आ सकती हैं। तो अभी आप तैयार रहिएगा मानसिक रूप से, मेंटली, कि और अर्थक्वेक के झटके और कुछ और राहु के काले कारनामे सामने आएंगे जिससे लोग विचलित हो सकते हैं। लेकिन ये समय विचलित होने का नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी 5-6 महीने गुजार दिए हैं साल के, और अच्छे ढंग से गुजारे हैं। मृत्यु भी हुई है, केसेस भी ऊपर जा रहे हैं, कोई शक वाली बात नहीं। मैंने कहा भी ये फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, ये इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट्स खोलने की बात की थी, खुल रही हैं, और जो मैंने बातें कही थी अधिकतर 90% से ज़्यादा वो न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में बिल्कुल सही उतरी हैं। ये हम खुद को क्रेडिट नहीं देते, ये नंबर्स का प्रताप है और ईश्वर उनका प्रताप है कि हम कुछ सही कह पा रहे हैं। तो क्रेडिट गॉड को जाता है, क्रेडिट जो नंबर्स की कैलकुलेशन है, 4 नंबर की, 5 नंबर, 6 या बाकी जितने नंबर्स हैं, इन्हीं की कैलकुलेशन के बेस पे हम लोग करते हैं सारी चीज़ें। तो और तैयार रहेगा, अभी विपदा का समय समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारी विपदाएं और आएंगी और ख़ास तौर से अर्थक्वेक के झटके अभी और लगने बाकी हैं। धन्यवाद आपका। आप अपनी फीडबैक भेज सकते हैं हमें ईमेल पर या इस प्रोग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो आपका फीडबैक कॉलम से वहाँ पर भेज सकते हैं। हमें बताइएगा आपको कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। कई लोग जो कि पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, एक प्रिंस जसवाल हैं कोई, उनके लगातार कमेंट्स आते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो बहुत गौर से हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुक्रिया आपका भी, और शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। लिंक्स आगे भेजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल आपका है। शुक्रिया।